दिल्ली के कंझावला केस को लेकर पीड़िता अंजलि को कई किलोमीटर तक घसीटने के मामले में शुरुआत से ही दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में रही। दिल्ली पुलिस पर लगातार लापरवाही के सवाल उठते रहे। चश्मदीदों के बयान के बाद पुलिस पर सवाल उठे तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बार बार पीसीआर को फोन करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। जब राजधानी में नए साल का जश्न मन रहा था तो सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर ही थी। ऐसे में राजधानी में किसी लड़की को कई किलोमीटर तक सड़कों पर घसीटा गया तो लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस कहां सोती रही। सोशल मीडिया पर लोग मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोषी पुलिस वालों पर एक्शन होगा। मामले ने जब तूल पकड़ा तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने कहा कि अगर ये ह्यूमन एरर है तो गलती पर एक्शन होगा। साथ ही उन्होंने पुलिस पर उठ रहे सवालों का बचाव भी किया। इस सेकंड में अभी तक कोई लैप्स नहीं आया, इनफैक्ट उसमें बहुत अच्छा एक्शन हुआ है। जैसे ही उसने पीसीआर ने हमारी ईआरवी ने उसको देखा है कि कोई स्कूटी पड़ी हुई है, स्कूटी को उसने के बारे में अपने एसएचओ को जानकारी दी है, एक्सीडेंट शुदा स्कूटी है। उसके बाद उस स्कूटी का नंबर लिया गया है, उस स्कूटी के नंबर ट्रैफिक से नंबर लेके जिस जो एड्रेस आया है उस स्कूटी के एड्रेस उसके घर पे भेजा गया है। वहाँ पे जो ऑनर है स्कूटी का वह नहीं मिलता है और वो कार्रवाई बहुत पहले तक हो चुकी है जबकि डेड बॉडी बाद में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस का रिस्पॉन्स ठीक नहीं था। गौरतलब है नए साल में कंझावला में हुए दर्दनाक हादसे के बाद चश्मदीदों ने दावा किया है कि उन्होंने पुलिस को घटना के बारे में बताया लेकिन पीसीआर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मामले में दिल्ली पुलिस के पीसीआर सिस्टम पर भी सवाल उठे। दरअसल दिल्ली पुलिस का पीसीआर सिस्टम थोड़ा अलग है। पहले कॉल मिलने पर पीसीआर तुरंत पहुंच जाती थी लेकिन अब सिस्टम बदल गया है। अब पीसीआर कॉल पर जाने से पहले इलाका तय करती है, साथ ही पीसीआर कॉल पर थाने से जांच अधिकारी भी पहुंचता है। अब पीसीआर थाना अध्यक्ष के इशारों पर ही काम करती है। अब कॉल सीधे थाने में जाती है, फिर वो कॉल पीसीआर को ट्रांसफर की जाती है। इस दौरान थाना इलाका भी वेरीफाई किया जाता है जिससे घटनास्थल पर पीसीआर पहुंचने में देर हो जाती है। शायद ऐसा ही कुछ कंझावला केस में भी हुआ होगा। दिल्ली पुलिस पर आरोप है कि पीसीआर को 20 से ज्यादा बार कॉल की गई लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने साफ कर दिया है कि अगर कोई लापरवाही हुई है तो एक्शन लिया जाएगा। मतलब अगर जांच हुआ तो जो दोषी पाए जाएंगे तो वे पुलिस अधिकारी नभ भी सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।